अगली खबर आ रही है इंदौर से, जहां एलआईजी चौराहा पर गुरुवार रात एक सिरफिरे युवक ने नशे में धुत होकर जमकर उत्पात मचाया। नशेड़ी युवक ने बीच चौराहे पर एक्टिवा लेकर खड़ा हो गया। इस दौरान ग्रीन सिग्नल होने पर वाहन चालकों ने निकलने की कोशिश की तो उसके कारण काफी परेशानी होने लगी। इस पर पुलिस कर्मियों ने रोका तो वह आपे से बाहर हो गया। उसने एमआईजी थाने के एएसआई की वर्दी फाड़ दी और पिस्टल छीनने की कोशिश की। इस पर पुलिसकर्मी लखन वर्मा व गोपाल धाकड़ ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उन पर टूट पड़ा। उसने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की। करीब 15 मिनट तक उक्त युवक ने वहां पुलिसकर्मियों से जमकर बदसलूकी की। खास बात यह है कि करीब 7 से 8 पुलिसकर्मियों ने उसे काबू में पाने की कोशिश की, लेकिन वह सबको धक्का देकर मारपीट पर उतारू हो गया। वह हर पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर उसे थाने पहुंचाने के लिए रिक्शा बुलवाया तो उसने एएसआई यादव का गला पकड़ लिया और फिर झूमा झटकी की। इस पर अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने फिर सभी को जमकर गालियां दी। इस बीच उसके पिता प्रकाश धाकड़ मौके पर पहुंचे और उसे थाने ले जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि वह उनका बेटा मनन है, वह मानसिक रूप से बीमार है तथा इलाज चल रहा है। इस पर पुलिसकर्मियों ने कहा कि वह नशे में धुत है और अगर इलाज चल रहा है तो उसे बाहर क्यों जाने दिया। इस पर उनकी और पुलिसकर्मियों में जमकर बहस हो गई। धाकड़ ने कुछ पुलिस अधिकारियों को हवाला दिया और दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे थाने भेज दिया। थाने पहुंचने के बाद एएसआई देवेंद्र सिंह यादव आरोपी के खिलाफ मारपीट, पिस्टल छीनने व शासकीय कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज करने लगे तो वहां परिजन ने फिर उन्हें रोका कि बेटा मानसिक रूप से बीमार है। दूसरी ओर मनन ने पुलिस को बताया कि वह एमबीए कर रहा है। मेरे पिता बैडमिंटन के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। जब पुलिसकर्मियों ने पिता को बताया कि वह तो अच्छी बात कर रहा है तो मानसिक रोगी कैसे है, तो उन्होंने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए फिर दबाव बनाया। इस दौरान एएसआई यादव व उनकी जमकर बहस हुई तो मनन थाने के पिछले रूम से फिर दौड़ता हुआ आया और पुलिसकर्मियों से झूमा झटकी की। इसकी सीसीटीवी फुटेज थाने के कैमरों में है। देर रात तक परिवार उसे मानसिक रोगी बताते रहे, जबकि पुलिस आरोपी के खिलाफ ठोस कार्यवाही की तैयारी में है। उधर पुलिस आरोपी पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रही है। बद्दी टूटी हुई है। उसको जाने ले जाओ। हिंदू से रू हिंदू से वो पुणे वाला कौन है? पुणे वाला उनने हमारे बहन के टुकड़े कर दिए। तुम देखते रह गए। अरे चल तुम होते कौन वाला कर दे।